बारातियों की गाड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं कि मुस्तफ़ा कितना खुश लग रहा है माशाल्लाह, क्योंकि ये ड्रेस जो है ना नाना नानी लेकर आए थे जब हम पाकिस्तान आए थे, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला पहनने का। तो अब मुस्तफ़ा को पहनाया गया था क्योंकि अगले दिन हम लोगों ने जाना था पेशावर, तो हम चेक कर रहे थे कि नाप वगैरह ठीक है, सब कुछ सेट है। तो वो बहुत ही खुश हो रहा था देखकर। और यहाँ पर जी डिनर में मैं अचार खा रही हूँ जो गांव से नानी लेकर आई थी ख़ुद बनाकर, बड़ा ही मज़े का लग रहा था। तो सोचा कि आप लोगों के साथ छोटा सा क्लिप शेयर करते हैं। और जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ ना, लेट नाइट क्रेविंग्स इतनी चल रही हैं हम सब की माशाल्लाह कि बस मैं आपको बता नहीं सकती कि रोज़ जो है ना लेट नाइट हमें भूख लग रही होती है, या नूडल्स चल रहे होते हैं, या कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अच्छा अभी आप कहाँ जा रही हैं? जी यहाँ पे पैकिंग चल रही है, हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ मुस्तफ़ा के लिए। दिखाओ जरा मुस्तफ़ा को, सिर्फ इस बच्चे को लेके जाना है मैंने ट्रेन पे, जिसके लिए जी आज हम, वैसे तो जाना ही था पेशावर शॉपिंग करने है शादी की, लेकिन मुस्तफ़ा के लिए हम जा रहे हैं बाय ट्रेन। और हम बड़े एक्साइटेड हैं, अल्लाह करे सफ़र अच्छा गुजरे। तो चीज़ें चीज़ें रख रही हूँ बच्चों की, हर चीज़ अपने कपड़े अम्मी के, बच्चों के, सब के रख रही हूँ। अम्मी साथ जा रही हैं, दवाइयाँ शवाइयाँ एंड ऑल दैट, राइट? मुस्तफ़ा क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? बारिश हो रही है, बारिश ने तो सारा प्लान चौपट कर दिया है हमारा। अच्छा जी ट्रेन का टाइम था सुबह 1 से 1.5 बजे का, और शाम के हो गए थे तकरीबन 4, और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ट्रेन का बार बार हम पता कर रहे थे कॉल करके, लेकिन वो बहुत लेट हो गई थी। और फिर हम लोगों ने तकरीबन 4:30 बजे कॉल की, और उन्होंने कहा जी ट्रेन 15 मिनट में पहुंचने लगी, और पापा ने गाड़ी भगाई। जिस तरह आप देख सकते हैं आधी चीज़ें हमारे घर में, और आप बस हमें भी डांट रहे थे रस्ते में कि तुम लोग तैयार नहीं थे, 1 बजे का टाइम था, तुम लोग पहले तैयार हो जाते। जैसे कि आप लोगों को पता है कि देसी डैड्स करते हैं हमेशा। तो खैर बस भागम भाग में हम पहुँच रहे रेलवे स्टेशन। अच्छा हम जा रहे थे पिंडी से पेशावर रहमान बाबा से, ट्रेन का नाम आई थिंक रहमान बाबा था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आगे एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को पूरा शेयर करूँगी कि हमारा कैसा एक्सपीरियंस था सारा कुछ, तो वीडियो एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करना, बहुत ही मज़ा आने वाला आप लोगों को। अच्छा तो हो गई, अभी ट्रेन नहीं पहुँची, 10 मिनट अभी रहते हैं वरना हमारी बेइज्जती हो। ओके इसको नींद से उठा के आया, ये सोई भी थी और मैं ऐसी गाड़ी में बैठ रही थी। मम्मी कहती है आइजल को नहीं लेके जाना। मेरी गुलाबी जुराबे देखें, जल्दी में ये पहन ली है मैंने, बारिश हो गई थी अचानक और सर्दी हो गई थी, तो बहन ने मुझे ये ला के दे दी। कराची से सुबह से इस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और आई भी लेट है और हम भी लेट हो गए। मुस्तफ़ा को उसने उठाया हुआ है, चलो चलो भाई, कह रहे हैं कि गाड़ी लेट हो गई है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगी, आप लोग जाए, हम लोग बिजनेस क्लास की तरफ जा रहे हैं। अनमी है और हम जा रहे हैं लास्ट में, वैसे स्टार्ट में बिजनेस होना चाहिए था, पाकिस्तान है, लास्ट में बिजनेस क्लास है। अच्छा अच्छा पापा बैग लेके जा रहे हैं हमारा, मेरे तो वो आ गए हम बिजनेस क्लास में। इकोनॉमी और बिजनेस सेम ही है। लड़के के लिए हम जो है ना ट्रेन में जा रहे हैं ताकि ये जरा एक्साइटेड हो जाए, और इस लड़के के लिए कम दी दूरी सरवाइव थे। पापा ने झाड़ू मरवा दी है कि घर साफ हो जाए, बहुत गंद था उसमें। कराची से लोग आए ना? हाँ सफाई हो गई है, वो कह रहे हैं गर्मी। हाँ जी चलो, अल्लाह आपको खैर खैरियत से पहुँचाए। हमारे बेगम साहब भी जा रही हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चों के लिए तो जा रहे हैं। बिजनेस क्लास में कॉकरोचेस भी है, इससे अच्छा तो हम इकोनॉमी में बैठ जाए। और भी है उधर कॉकरोचेस हमारे मुंह पे आते हैं यार, उड़ जाते हैं, खिड़की तो खुल सकती थी ना। ये कौन है? कॉकरोच है मेरी जान।
वो है कॉकरोच। देखो क्या हालात, पापा से कहा इकोनॉमी में बैठ जाते हैं। नहीं नहीं ये तो ऐसा तो हम कहीं जा ही नहीं सकते, ना हवा है ना कुछ है। मुझे लगा बिजनेस भाई अंदर तो थे कॉकरोचेस, दिस इज इकोनॉमी क्लास। मैंने कुछ और ही सोचा था और निकला कुछ और ही। आपके फेवरेट कॉकरोचेस भी हैं इधर डब्बे में, तो कॉकरोचेस का कोई फंक्शन चल रहा है, कभी एक दीवार से निकल रहे हैं, कभी दूसरे कभी दूसरी दीवार से निकल रहे हैं। हाँ ऊपर वापस वापस सफाई इधर आओ। ओह अल्लाह, ये तो वाकई यार अल्लाह बहुत गंदी बू थी वहाँ पे, हम वापस आ गए हैं दोबारा से। यहाँ पे तो शुक्र ही चल रहा है, ये कॉकरोच ठीक है, बू से बेहतर ही है यार, बहुत गंदी बू थी, वापस आओ। हमारा सफर गुजरेगा क्या? अच्छा गुजरे आप, अच्छा गुजरे। शराबियों कबाबियों की जर्सी होंगी। हम वापस आ गए हैं इस जगह पे, इतनी गंदा था इकोनॉमी। ये देखे जी ये बिजनेस क्लास में आपको ये मजे भी मुफ्त में मिलेंगे अगर कोई। हाँ जी हाँ बेटा, तो तुम्हारा ही जाओ, जितने कॉकरोचेस मैंने देखे है ना, ये बिजनेस क्लास में आपको जो है ना मजे मिलेंगे। और भी पता नहीं देखेंगे कौन कौन से कीड़े निकलते हैं अंदर से, हम तो कब से वाइप्स कर करके थक गए। अरे रब्बा नहीं जा रहे थे, डाइवो पे बिठा देंगे हमें वापसी पे, खैर देखेंगे क्या सीन है। अभी तो जो है ना सीन बड़ा कुछ नाजुक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक स्प्रे रखे भाई, ये क्या है भाई? हमारी चाची जी ये हमारी गाड़ी चेंज हो गई शालीमार के साथ। अच्छा ये हम ले गए ना चाचो, कराची वाले ये लाहौर वाली गाड़ी, ये लाहौर वाली गाड़ी है, तो ये लाहौर से कराची जाती है शालीमार में, तो ये उधर से चेंज हो गई हमारे। हम पेशावर तो के नहीं कॉकरोचों के साथ जाएंगे। मार दो मार दो, मुस्तफा कॉकरोचेस को मार रहे। वही इधर से नूर निकलेंगे। देखिए जी यहाँ पे भी इतने कॉकरोचेस हैं, जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। बात करते करते रह गई, हम लोग चले गए बिजनेस इकोनॉमी में कि चलो हवा शवा आएगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे, हमारा भी दिल जरा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही इकोनॉमी में घुसे, वाह इतनी जबरदस्त खुशबू है, पान मसाले सिगरेट, हमने कहा यही ठीक है, हम इन कॉकरोचों के साथ ही सफर कर लेंगे, चार घंटे गुजार ही लेंगे, फिर हम वापस इसी डब्बे में आ गए। भाग रहा ट्रेन 40 की स्पीड पे चल रही है, हमें लगा था कि हम अटक भी क्रॉस कर चुके हैं जबकि वो अभी सिर्फ बाक एंड पहुंची है और बहुत स्लो चल रही है। हम अगर भाग रहे होते तो यकीनन इससे ज़्यादा स्पीड हमारी भागने की होती, या साइकिलिंग कर रहे होते तो उसकी भी होती, बहुत ज़्यादा स्लो जा रही है। लेकिन ये कि चलो हम गपशप लगा रहे हैं, बच्चे भी खुश हैं, चल फिर रहे हैं और कुछ। कैमरा कैसे हिल रहा है? बेटा ये डोर अगर आप बंद करोगे ना तो फिर ये ओपन नहीं होगा। ओके अच्छा चलो करो जरा, अच्छा करो, इसको बड़ा शौक है दरवाजा बंद करने का। तो मैंने तो तुम्हें कहा था ये ओपन नहीं होगा। अब अड़ गया है ना बेटा, ये दरवाजा कैसा है? दरवाजा कैसा है बेटा? ये बड़ा इंटरनेशनल लेवल का दरवाजा है। तो सिर्फ इस दरवाजे से घर से हम मूंगफलियाँ ले आए थे, हम एंजॉय करेंगे अपना सफर, पूरी भर के लाए थे, आधी हो गई है, बड़े मजे की मूंगफली है। ऐसे नहीं पसंद बिल्कुल। तो जी हम लोग आ गए पेशावर, दो मेरे ख्याल से इसके वो थे क्या थे
स्टेशन थे, लेकिन मेरे मामू क्योंकि यहाँ पे रहते हैं उन्होंने कहा नहीं तुम लोग कैंट वाले स्टेशन पे आओ क्योंकि उनका घर कैंट एरिया में है। तो हम फिर वहाँ जाएंगे, शुक्र अल्लाह का, कसम से अगर हम अपनी गाड़ी पे आते या किसी और चीज पे आते तो हम जल्दी आ जाते, ट्रेन बहुत स्लो जा रही थी बहुत ज्यादा। लेकिन चलो बच्चों को मजा आया, हमें भी मजा आया एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा ये सीन था कि रिलैक्स आए हैं, बाकी तो पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह ही मालिक है, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई इंसान आके इसको ठीक कर सकता है, जैसे हमने हालात देखे हैं अल्लाह ताला ही कुछ कर सकते हैं। दैट्स इट। 2017 दिसंबर में मैं लास्ट टाइम यहाँ से पेपर्स देके फारिग हुई थी यूनिवर्सिटी से, और अब मैं सरजमीन पे कदम रखने लग गई। बहुत सारी यादें हैं मेरी पेशावर में, बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने के लिए और शॉपिंग करने के लिए। मेरी सारी शादी की सारी शॉपिंग यहाँ से हुई थी, बड़ा ही मजा हमने यहाँ पे किया है। तो हर चीज जो है ना रिकॉल होगी, मेमोरीज रिकॉल होंगी इंशाल्लाह, और आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून्ड। अब तंग हो चुकी है, कह रही है बस अब निकले इस डब्बे से हम लोग। हम किसी काम के लिए पखेर पखेर मामा हमने बोला है। ये मेरी मामू की बेटी और बड़ी शर्मा रही है। तुम शर्मा रही हो हरीम, तुम शर्मा रही हो। तो जी कुछ यूं गुजरा हमारा सफर, और पेशावर अल्लाह का शुक्र है हम पहुंच गए थे जिस तरह की आप लोगों ने देखा, और आहिस्ता आहिस्ता हम घर की तरफ पहुंच गए, ऑलमोस्ट घर आ गया। और बहुत ही यमी फूड खाया हमने, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का पुलाव था और साथ में फ़िश थी, और मतलब सारी थकावट जो है ना खाना खा के जो है उतर गई थी, मज़ा ही आ गया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।